ਕਰਨ ਕਾਰਨ माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2023-24 के अंदर कृपया सुने माननीय सदस्य बोल रहे हैं बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बजट 2023-24 के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया 270 पॉइंट का, इसमें सभी शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क, कृषि, युवा, महिला, उन सभी वर्गों का इसके अंदर जो लिखा है, एक सरकार ने अपना एक विजन दिया है, बजट दिया है कि हम इस साल में ये काम करेंगे। लेकिन इस बजट को धरातल उतारने के लिए ऐसा किसी तरह का ठोस कोई रोड मैप या कोई ऐसा विजन जो इसके पहले काम करने वाली बात हो वो नहीं कही गई है। मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा के अंदर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें पहले भी पिछले बजट में भी खोली गई थी और अभी भी नई स्कूलें खोलने की बात कही गई है, लेकिन जो स्कूलें खोली गई हैं उसके अंदर भी अभी हिंदी माध्यम के अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर भी उसमें अवेलेबल नहीं हुए हैं, और न इस बजट के अंदर ऐसा कोई ठोस प्रावधान किया गया है कि भाई इंग्लिश मीडियम के स्कूल के अंदर टीचर कब कहाँ से कैसे आएंगे। कॉलेज की बात करें, कॉलेजों में वही स्थिति है, स्टाफ नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में जो सीनियर स्कूल हैं उसमें सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर स्थिति में जो स्कूल हैं तो उनके मेंटेनेंस के लिए भी इस बजट के अंदर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। अभी बात करें शिक्षित बेरोजगारों की, तो बेरोजगारी की जब बात करते हैं, जब पिछले 4 साल में जो सरकार ने परीक्षाएं आयोजित की है उस परीक्षाओं में से 16 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए, पिछले बजट के अंदर भी नकल लीक को रोकने के लिए, पेपर लीक प्रकरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि विधेयक लाने के बाद भी उस विधेयक को इफेक्टिव लागू नहीं किया गया, उस विधेयक को सही समय पर लागू नहीं किया गया, जिसे विधेयक लाने के बाद भी अभी सेकंड ग्रेड टीचर्स की जो भर्ती थी वो पेपर लीक हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें पेपर लीक का अहम रोल है, और बेरोजगारी कम करने के लिए इस बजट के अंदर कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। हमने पिछले सत्र के अंदर भी ये मांग की थी कि प्रदेश के अंदर जितनी भी भर्तियां होती हैं उन भर्तियों के अंदर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को मौका मिलना चाहिए, इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए, इसके लिए कोई ठोस नियम बनना चाहिए, लेकिन इस बजट के अंदर वो भी चीज़ नहीं दिखी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहूँगा कि जो राजस्थान के बेरोजगार हैं, जो आगे जो भी भर्तियाँ हैं उन भर्तियाँ में राजस्थान के युवा बेरोजगारों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बात बजट के अंदर चिकित्सा के काफ़ी बातें हैं कही गई, चिकित्सा के अंदर पिछले बजट के अंदर भी निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया गया था, और अभी भी राइट टू हेल्थ का जो विधेयक सरकार लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो CSC है, PSC है, उनके अंदर कहीं भी डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कहीं विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, और मेरे भोपालगढ़ के अंदर पिछले बजट के अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हॉस्पिटल को CSC से उप जिला
हॉस्पिटल करने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी वो CSE 30 बेड की चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ हॉस्पिटल के अंदर उपजिला हॉस्पिटल के जो मापदंड है उसके अनुसार सारी सुविधाएँ हैं, उसके मापदंड के अनुसार उसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ लगाया जाए। साथ ही जो CSE है उनके अंदर सोनोग्राफी मशीनें हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले डॉक्टर नहीं हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि जब हम राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर सोनोग्राफी मशीनें हैं आपकी सुविधा और के डॉक्टर नहीं होंगे तो राइट टू हेल्थ जो हम विधेयक ला रहे हैं वो भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ जो विधेयक ला रहे हैं इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इसको लागू करने के लिए हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मुख्यालय पर PSC खोली जानी चाहिए। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर कहा कि जो अब सरकार बनी थी जब 6600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, लेकिन अभी हम 8600 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब 2000 मेगावाट का उत्पादन बिजली के क्षेत्र में बढ़ना बताया गया है। लेकिन धरातल पे गांव के अंदर ना किसानों को ब्लॉक सप्लाई से 6 घंटा और 7 घंटा मिल रही है और ना गांव के अंदर सिंगल फेज सप्लाई जिनकी 18 और 24 घंटा देने की बात कही गई थी, लेकिन वो 5 और 6 घंटा सप्लाई मिल रही है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी बच्चों के परीक्षाएँ आने वाली हैं, जो बच्चे सीनियर और उसमें पढ़ रहे हैं उनके लिए शिक्षा के लिए सिंगल फेज सप्लाई को नियमित करावे हैं, उसको 24 घंटे सप्लाई दिलवाने के निर्देश करावे हैं। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा। पिछले बजट के अंदर बिजली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पिछले 10 साल के कृषि कनेक्शन हम इन 2 सालों के अंदर दे देंगे, लेकिन अभी तक 2015 तक के डिमांड दिए गए हैं और ना बिजली के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सब स्टेशन बनाए हैं, ना कोई नया सब डिवीजन बनाया है, ना डिवीजन बनाया है, ना सर्किल बनाया है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जो हम घोषणा कर रहे हैं उस घोषणा को धरातल पर लाने के लिए किसी तरह का ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बात करना चाहूँगा पेयजल की। पेयजल की माननीय सभापति महोदय भोपालगढ़ के अंदर बहुत विकट समस्या है। JJY की जो ट्यूबवेल है बंद पड़ी है और JJM की जो महत्वपूर्ण एक योजना है उसके टेंडर मेरी मंडोर पंचायत समिति के अंदर टेंडर हुए 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। स्थिति बावड़ी पंचायत समिति की उससे भी खराब है कि बावड़ी पंचायत समिति के अंदर अभी JJM के टेंडर भी नहीं लगाए गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इनके टेंडर जल्दी लगाएं ताकि गांव के अंदर पेयजल की समस्या का निस्तारण हो सके। मैं माननीय सभापति महोदय मेरी विधानसभा के 55 से 60 गांव जो जोधपुर के JDA सीमा के अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ समस्या ये है कि जब शहीद की बात आती है तो शहीद के सम्मान के लिए हम पैकेज की बात करते हैं, बच्चों के मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं, शहीद के नाम से स्कूल का नामकरण करते हैं, लेकिन शहीद की मूर्ति लगाने के लिए जोधपुर JDA से भूमि आवंटन नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस क्षेत्र में जो शहीद हुए हैं जिनकी मूर्तियाँ लगानी हैं उनकी ज़मीन JDA से तुरंत
आवंटन करवाने की व्यवस्था करवाएं। अभी मैं मेरे विधानसभा की के अंदर जो बजट के अंदर एक बड़ी रोड दी गई है 54 किलोमीटर, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि मेरे 800 ग्राम पंचायत जो भोपालगढ़ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर एक महाविद्यालय खोला जाए। साढ़वाग कला बड़ी ग्राम पंचायत है मंडोर की, उस PSC को कर्मोन्नत करके CSE बनाई जाए और CSE बनाड़ जो तीन तरफ उसके नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है उसके अंदर ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। मेरी विधानसभा के अंदर जो प्राइमरी स्कूल हैं काफ़ी पुराने, बुड़किया जो सब सेंटर है बड़ी ग्राम पंचायत हैं, बुड़किया साथिन रुदिया हीरा देसर, इन सब सेंटर को PSC के अंदर कर्मोन्नत किया जाए। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा की जो काफ़ी पुरानी प्राइमरी स्कूल हैं उनको उस प्राथमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करें। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुवाणा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूढ़ियों की बासनी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवनगर सापला, इनको राजकीय उस प्राथमिक विद्यालय के अंदर कर्मोन्नत करें। और गादेरी जो नई ग्राम पंचायत मुख्यालय है उस राजकीय उस प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उस माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करने के आदेश करें। धन्यवाद।